ये एंटी रिंकल ट्रीटमेंट है, उसके ऊपर जो रिंकल्स के लिए खास है। हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू जीकेवी गाजी के व्लॉग में आप सभी का फिर से स्वागत है। तो आज का वीडियो खास होने वाला है मेंस ग्रूमिंग के लिए। मेरी शादी में 5 दिन बाकी है सिर्फ, तो आज मैंने यहाँ पर एक मीरा रोड में ही एक बहुत ही अच्छा सैलून है, वहाँ मेंस पार्लर है, जिसके अंदर मैंने ग्रूम पैकेज बुक किया हूँ। तो आज मैं आपको टूर कराता हूँ कि वो पार्लर का नाम क्या है और उनके पास क्या क्या सर्विसेज अवेलेबल है, आइए देखते हैं। ये मेरे पीछे जो आप पार्लर देख रहे हो, ये है इसका, आपको मैं एक मिनट नाम बताता हूँ, मेरा फेस में डार्क हो जाएगा, अलवीना नाम है इसका। तो आज मैं ये बिल्कुल NH स्कूल जो है मीरा रोड में, उसके सामने है नया नगर में, तो आज मैं यहाँ जाने वाला हूँ। हिजाजी ऑलरेडी अंदर है, वो ऑलरेडी अपना उसका काम स्टार्ट हो चुका है, मेरा नंबर उसके बाद है, तो आइए चलते हैं अंदर। ये है अलवीना हेयर एंड ब्यूटी सैलून और ये यूनिसेक्स है और यहाँ पर आपको हर चीज़ प्रोवाइड की जाएगी, कटिंग वगैरह, और सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को ध्यान में रखे हुए यहाँ पर पूरा स्टाफ काम करता है। तो आइए हम अंदर चलते हैं। हिजाजी का प्रोसीजर ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, मैं मिस कर दिया क्योंकि मैं थोड़ा लेट आया हूँ। अभी इसकी स्टीम अप चालू है यहाँ पर, तो अभी ये मेरा, इसके बाद में पूरा फुल यहाँ से जो भी डिटेलिंग बिफोर एंड आफ्टर मैं आपको दिखा दूंगा। और ग्रूम पैकेज इनके पास में D10 का हम लोगों ने यहाँ पर बुक किया है, तो अभी हिजाजी के प्रोसीजर्स चालू है। गाइस फाइनली आ गया है मेरा नंबर और मैं बैठ गया हूँ, तो मैं आपको इंट्रोड्यूस कराता हूँ इनके ओनर से। ये है मिस्टर गुलफाम, इनका है यहाँ पर अलवीना जो मैंने आपको बताया। एक बार आप मास्क हटा के लोग हमारे व्यूअर्स को बता दीजिए जी। तो हाय गाइस, तो ये है हमारे यहाँ के ओनर है, जो आज मेरे को मतलब हिजाजी का तो ऑलरेडी हो चुका है, वो मैं कैप्चर नहीं कर पाया। आज मेरा यहाँ पर क्या करने वाले हैं गुलफाम भाई? सर हम आपका फेशियल करेंगे। अच्छा, जो स्किन आपकी पूरी डिटेन करना है स्किन के ऊपर, टैन हो चुकी है स्किन आपकी, पूरा स्किन के ऊपर जो ये सब पफिंग है, ये सब निकालना है स्किन के ऊपर। तो हम डिटेन करेंगे बेसिकली, और जो भी आप में स्किन पे देख सकते होंगे जो ओपन पोर्स है और ये जो ब्लैक स्पॉट्स वगैरह है, तो उसको हम लोग, इन्होंने बताया कि मुझे आप बिफोर एंड आफ्टर रिजल्ट अपने व्यूअर्स को बताना उसके अंदर। तो आइए हम शुरू करते हैं और जैसे प्रोसीजर चलता रहेगा मैं आपको दिखाऊंगा। पहले मेरी स्किन की एग्जामिनेशन हो रहा है कि स्किन के लिए क्या बेस्ट है, और जैसे जैसे स्टेप होते जाएंगे मैं आपको उसमें स्टेप के नीचे डाल दूंगा। और मैं गाइस आप लोगों को इनके जो यहाँ का जो लोकेशन है वो भी मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो आप लोग वहाँ से भी चेकआउट कर सकते हैं। लग रहा है अभी फीलिंग आ रही है कि हाँ शादी वाली फीलिंग है, सेल्फ पैम्परिंग शुरू हो चुकी है। अभी फेस वॉश का जो फर्स्ट प्रोसीजर हुआ है, अब इसके बाद आगे उन्होंने बताया D10 आपके लिए, स्किन के लिए D10 ब्लीच आता है, तो वो एक सेकेंड प्रोसीजर चालू करूँगा मैं। बिल्कुल ही मेकओवर कर दिए है फेस का। ये यहाँ पर आप शेविंग अगर कराने आओगे तो जो फेस की आपका जो कट है उसके हिसाब से ही आपको शेप देंगे। जैसा मेरा फेस कट ब्रॉड है थोड़ा, तो उन्होंने जॉ लाइन को प्रिसाइज करने के लिए यहाँ से देखिए ये जो लुक बहुत ही प्यारा दिया है, यहाँ से लाइट रखी सटल और इसको रखी, तो गुलफाम भाई बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है ये लुक। तो अभी इसके आगे और प्रोसीजर करिए, सेकेंड स्टेप था शेविंग का, अब इसके बाद और क्या होगा? इसके बाद फेशियल चालू होगा। अच्छा, इसके बाद फेशियल चालू होगा, तो आइए देखते हैं। बियर्ड का हो चुका है, बियर्ड की शेविंग हो गई है, तो अब इसका थर्ड पार्ट होता है थ्रेडिंग करेंगे, जो कि जो फाइन हेयर होते हैं, जो बेबी हेयर्स होते हैं, तो वो रिमूव हो जाएंगे। देखो आपको मैं क्लोजली बताता हूँ कि देखिए कितना यहाँ पर अनइवन यहाँ पर आपको दिख रहा होगा,
तो फिर थ्रेडिंग के बाद मैं बताऊँ, यहाँ का तो उन्होंने पूरा क्लीन कर दिया है, अब इसके बाद में बताता हूँ कैसा हो जाने के बाद हमारा स्टीमिंग सेशन शुरू हो रहा है, तो जिससे फेस पे हम स्टीम लेंगे तो उससे जितनी भी इम्प्योरिटीज है वो लूजन होके बाहर आ जाती है। ये क्या है अभी? ये जैसे कि स्टेप टू स्टेप मसाज होता है, फिर क्लिंजर मसाज होता है, फिर स्क्रब होता है। अभी मैंने स्क्रब चालू किया। अच्छा, ये स्क्रब हो रहा है। तो अभी जो फर्स्ट लगने के बाद स्टीम के बाद में ये अभी स्क्रब लगा रहे हैं, और इसके बाद का वाला स्टेप मैं बताऊंगा आगे। भाई सब भी आ गए हैं यहाँ पे हमारे साथ में, और इनका भी फेशियल चल रहा है। रमीज़ को तो आप देख चुके हो मेरे एक व्लॉग में ऑलरेडी, तो रमीज़ को भी अभी उनके फेस पे लगा हुआ है फेस मास्क, इसलिए बात नहीं कर सकते वरना लूज़ हो जाएगा। तो हिजाजी का हो गया, मेरा हो गया, और अब रमीज़ का चालू है सेशन। अब मैं आपको मेरा रिज़ल्ट बताता हूँ। ये देखिए, ये है मेरा रिज़ल्ट, और इतनी स्मूथ स्किन लग रही, इसमें कोई फिल्टर नहीं है। मेरा नॉर्मल कैमरे से मैं शूट कर रहा हूँ, बिल्कुल भी इसमें कोई फिल्टर नहीं है। लेकिन मैं ये देखो, अगर मैं ऊपर करूँ तो आपको ये जो शाइनिंग दिख रही होगी ये नेचुरल शाइनिंग है, और इतना अच्छा, मतलब अब ये तो आप तो फील नहीं कर पा रहे हो कि मैंने कराया, तो मैं ही फील कर पा रहूँगा। तो मैं ये खुद अपने आप से, जितनी भी मेरे अंदर की ये जितनी डर्ट थी वगैरह, मतलब जो पूरा लॉकडाउन हो गया मैंने कुछ भी नहीं करवाया था अपने फेस पे, तो अभी इतना रिलैक्स्ड और लाइट फील हो रहा है कि उससे मेरे को थोड़ा, मतलब जो बोलते हैं ये तरफ यहाँ पर जितनी भी डलनेस वगैरह लगती थी, तो ये देखो अभी ये पूरा मेरे चेहरे का लुक एक इवन टोन आ गया है, मतलब जितने भी ओपन पोर्स वगैरह थे। तो गुलफाम भाई आइए, गुलफाम भाई आपने बहुत ही अच्छा, हमारे गुलफाम भाई ने बहुत ही अच्छा काम किए हैं, और ही इज़ अ प्रोफेशनल। और मैं इनसे बातें कर रहा था ये चीज़ के दौरान, तो मुझे काफ़ी चीज़ें मालूम पड़ी इनकी, कि ये वो आपको बताएंगे। मैं आपसे इनसे मतलब एक छोटा सा इंट्रोडक्शन डायरेक्ट इनसे करवाता हूँ। गाइस, इतना अच्छा रिजल्ट आने के बाद मैं, मतलब इनसे कॉन्वर्सेशन हो रही थी हमारी कंटिन्यूसली, ये मुझे बताई जा रही थी कि ये क्या चीज़ है क्या चीज़, तो इससे मुझे पता चला इनकी नॉलेज बहुत ही अच्छी है, ये मेल ग्रूमिंग में भी और साइमल्टेनियसली हेयर ड्रेसिंग हर चीज़ में। तो मैं इनसे ये पूछना चाहूँगा, गुलफाम भाई आप ये बताइए कि मतलब आप ये लाइन में कब से हैं, और क्योंकि आप मतलब नॉर्मल सलून वालों को इतनी नॉलेज नहीं होती है। सर मुझे इस लाइन के अंदर 30 साल हो गए। अच्छा, 30 साल से मैं इसी लाइन के अंदर, और मुझे अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी नॉलेज है इसके बारे में। अच्छा, आपने देखा ही है, आपने मेरी सर्विस देखी है। मैं वही मैंने अपने व्यूअर्स को बोला कि मैं इनकी सर्विस देखकर ही ये जान गया कि इनको डीप में बहुत नॉलेज है। यस, और मैं एक्चुअली स्किन का, हेयर का, हर मतलब पूरा जो भी पार्लर की लाइन के अंदर आता है वो सब मैं करता हूँ, हर चीज़ करता हूँ। मतलब आपका हेयर से लेके, आपके स्किन से लेके, आपके केराटिन स्मूथनिंग जो भी। अच्छा, वो सर्विसेज भी यहाँ पर होती है, जो हेयर केराटिन, हेयर स्पा वगैरह वो भी ये करते हैं इसके अंदर। और स्किन के लिए तो आपने देखा ही है किस तरह से, तो मैं आपके सामने एग्जांपल होता है। और 30 साल मुझे इस लाइन के अंदर हो चुके हैं। चलो, ये सबसे बड़ी बात है, जब मैंने इनको पहली बार देखा, मैं जब वॉक इन किया इनको देखा, मुझे लगा ये मेरे से, मैं 33 हूँ तो मेरे से 4-5 साल ही बड़े होंगे ये। लेकिन माशाल्लाह इनका एक्सपीरियंस है, जो तरीके से इन्होंने अपने आप को मेंटेन किया है, तो कस्टमर्स को भी ये वही टच देते हैं। आप में से कोई भी आए कोई भी चीज़ के लिए, या फेशियल हो, या फिर कोई ब्यूटी ट्रीटमेंट हो, या फिर बालों का कुछ भी हो, तो बिल्कुल आप बेफिक्र होकर आइए। अगर या आप नए मेरे जैसा धूल्हे होने वाले हैं, ग्रूम टू बी है, तो उनके लिए भी बहुत ही अच्छा। और एक बात कि मैंने अभी तक के जितने भी व्लॉग्स बनाए, मैंने व्लॉग्स में देखा सारे लोग कॉस्ट को लेकर मेरे व्यूवर्स ज़्यादा ये होते हैं, तो लेकिन मैं एक बात बता दूँ, इनके यहाँ पर बहुत ही रीज़नेबल रेट्स और कॉस्ट कन्वीनियंट, मतलब जो आपसे चार्ज करेंगे उससे दुगना आपको देंगे, ये मेरी गारंटी है। तो इसके मामले में बिल्कुल बेफिक्र ही, मैं इनके नंबर्स भी डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में,
और थैंक यू बलराम भाई, बहुत ही अच्छा लगा मुझे। और मुझे तो एटलीस्ट मिल गया है कि मतलब मेरे को जो शौक है ग्रूमिंग वगैरह का, तो मुझे एक डेस्टिनेशन पक्का मिल गया है। तो इंशाल्लाह हम इनसे आके और भी सर्विसेज लेते रहेंगे। और आप भी आइए इनके यहाँ पर, अलवीना नाम है इनके, वो जो मैंने स्टार्टिंग में बता दिया हूँ, तो आप भी आइए और एक्सपीरियंस करके मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा आपको। फॉर आज के लिए साइनिंग ऑफ। Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left.